नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बकानी की, जहां गौ सेवा समिति ने गौ माता को गर्मी में राहत देने के लिए लगवाया वाटर फोगर सिस्टम। आगे बात होगी झांसी की, जहां पत्रकारों ने बालू माफियाओं के खिलाफ आर पार की लड़ाई का लिया संकल्प। साथ ही आगे चर्चा होगी शिवपुरी की, जहाँ बड़े स्टॉल में संचालित दो दुकानों में लगी भीषण आग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। श्री गोविंद गौशाला समिति गौ सेवा समिति बकानी द्वारा गौ माता को गर्मी में राहत के लिए वाटर फॉगर सिस्टम लगवाया गया, जिससे कुछ हद तक गर्मी में राहत मिल सके। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। पत्रकारों के ऊपर किए गए जानलेवा हमले के विरोध में सभी पत्रकार हुए लामबंद। एरस थाने में हुआ बालू माफिया के गुर्गों पर संगीन धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत। बता दें कि एरस थाना अंतर्गत ढेरा घाट पर बालू माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से प्रतिबंध लिप्टर मशीनों द्वारा नदी की जलधारा से बालू का खनन किया जा रहा है। जगह जगह नदी की जलधारा को रोका गया है। खनन की गई बालू को हाईवे के किनारे जगह जगह अवैध तरीके से डंप किया जा रहा है। इतना सब होते हुए भी सत्ताधारी नेताओं की हनक के सामने प्रशासन मौन है। लिप्टर से मजदूर के गिरने की सूचना पर जब देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार पहुंचे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। अब देखना यह है कि प्रशासन इन अवैध प्रतिबंधित मशीनों द्वारा बालू उठान पर रोक लगा पाता है या हर बार की तरह इस बार मौन धारण करेगा। आज थाना एरज में तुम समस्त पत्रकार बंधु आए हैं, क्या घटना हो गई आज? आपको बता दें कि कल रात्रि में हमारे कुछ पत्रकार साथियों को सूचना मिली थी कि लिप्टर चला रहा युवक डेरा घाट पर गिर गया है। तो पत्रकार उस सूचना पर डेरा घाट पर पहुंचे। डेरा घाट पर जो डेरा घाट चला रहे थे अवैध हथियार लैस व्यक्ति पत्रकारों पर हमलावर हुए और पत्रकारों को बेरहमी से पीटा। पत्रकारों का मोबाइल, पत्रकारों के पैसे, पत्रकारों की सोने की चैन अंगूठी सारे छीन ले गए। उसके बाद उन्होंने गाड़ी में डालकर उन्हें पुल से फेंकने के लिए ले जा रहे थे, मतलब मार के फेंकने के लिए बिल्कुल ले जा रहे थे। इस पर हम सारे पत्रकार यहाँ पर आए हुए हैं। और चूंकि हम आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा मेन मुद्दा है जो गरवाटा के सिटिंग विधायक है जवाहरलाल राजपूत, उनका प्रतिनिधि पत्रकारों को बुलाता है और पत्रकारों को जान से मारने के लिए अपने गुर्गे छोड़ देता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपने देखा भी, दो दिन पहले लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधायक के लिए कुछ बोला तो उस पर आकर विधायक के कार्यकर्ता इतने खुश हुए कि अब एक मुख्यमंत्री मेरा पक्ष कर रहा है तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये निरंतर इनके गुंडे हमेशा पत्रकारों में हमला करते रहते हैं। आपने देखा हो कुछ दिन पहले ककरबई घाट पर भी इनके पुत्र द्वारा हमला किया गया था। झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अरविंद पाल पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अशोक नाम के शिक्षक की हत्या में मुख्य आरोपी था। बता दें कि रूपपुर भरतपुर ईसन नदी पुल के पास ये मुठभेड़ हुई थी। ये क्या मामला था, किस तरीके बदमाश? देखिए, ये 30 तारीख को अशोक चौहान जो पेशे से शिक्षक थे और खरपरी जो बम्बा था वहाँ पर टहलने के लिए गए थे, तो इनकी एक्सीडेंट करके बुलेरो से कुचल करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें 16 तारीख में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक अनुज डांगर था और दूसरा जो पाल था। तो ये 2 लोगों ने पूरी घटना को बताया था कि किस तरह से 4 लोगों ने मिल करके इसकी हत्या की है। उसके बाद जो नीरज यादव था वो अभी 2 दिन पहले कोर्ट में सरेंडर किया, और जो मुख्य अभियुक्त अरविंद पाल, इसके बारे में आज हमारे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित और सविनाथ प्रभारी को सूचना मिली कि ये रूपपुर भरतपुर की तरफ से आ रहा है। तो इन लोगों ने चेकिंग शुरू की, ये जो पुल है इसके 200 मीटर पहले, तो उधर से आता हुआ मोटरसाइकिल दिखाई दिया, तो इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया, तो ये चकमाते करके भागने लगा, उस पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें से उसके बाएं पैर में गोली लगी है और उसको इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को स्वीकार करते हुए सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया। और इसके बारे में जब और जानकारी की गई तो पता चला कि इस पर अब तक जो मिले हैं मुकदमे, उसमें से 5 जनपदों में कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद में लगभग 26 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गैंगस्टर हत्या, लूट, डकैती, एक्सटॉर्शन
के मुकदमे हैं जो बहुत शातिर अपराधी है। इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। तो एक पुलिस की बड़ी सफलता है जिसको आज पुलिस ने। सर ये अकेला था या और कोई साथी खराब रहा? ये अकेला था और एक मोटरसाइकिल से आ रहा था। तो इसके ये मोटरसाइकिल बरामद हुई है और उस दिन भी उन लोगों ने बताया था कि इसकी हत्या के पहले इन्होंने रैकी की थी। तो इस मोटरसाइकिल को लेकर के गए थे। इस मोटरसाइकिल जो हत्या के पहले रैकी में प्रयुक्त हुई थी वही मोटरसाइकिल है, इसको बरामद किया गया है। और इसमें दो फोका कारतूस और दो जिंदा कारतूस और 300 का कट्टा। क्या अभी भी कोई फरारी है? अभी नहीं, इसमें चार लोग जो मुख्य अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी और एक। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकुंद बंसल जिला अस्पताल में शासन की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तमाम योजनाएं और बजट जिला अस्पताल मथुरा प्रशासन को दिया जा रहा है, जहां स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत के तहत प्रदेश एवं जिला को रोग और गंदगी से मुक्त करना चाहते हैं और बेहतर इलाज, निशुल्क देने, स्वच्छ जल एवं गंदगी मुक्त रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जोर दे रही है। वहीं जिला अस्पताल मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मुकुंद बंसल सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि अस्पताल के कोने कोने में गंदगी एवं मरीज को ले जाने के लिए वार्ड बॉय तक नहीं है। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर धूल फाक रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक साहब हैं कि व्यवस्थाओं को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाम क्या है? राजरानी। राजरानी जी कहाँ से आई हो आप? हम दुर्गा धाम कॉलोनी सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने। और आप जो अपने मरीज को लेकर आई हो उसका नाम क्या है? अश्विता। क्या हुआ था उसको? गांठ हो गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? ऑपरेशन सही हुआ है और डॉक्टर ने सही ऑपरेशन किया। लेकिन ये स्ट्रेचर वगैरह अपने आप मरीज को ले जा रही हूँ, क्या मामला है? ये वो है नहीं थे ड्यूटी पे, वार्ड बॉय नहीं थे, वो है नहीं थे, लेवाने गई थी तो मिले नहीं, फिर दूसरे आ गए थे। तो फिर आप अपने हाथों से लेके आई हो? तो लेके आए थे दूसरे वाले, फिर अपने हाथों से मरीज को लेकर बेड तक पहुँचाया आपने। फिर वो मिल गए थे रास्ते। तो इलाज सही मिल रहा है? हाँ, अभी तक तो सही है। आगे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। नाम क्या है? रूमा जी, आप कहाँ से आई हैं? सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने, दुर्गा धाम। सीएनजी पेट्रोल पंप के सामने। कौन सी जगह है? दुर्गा धाम कॉलोनी। और आपकी बच्चा, आप किस मरीज को लेके आई हैं? अपनी लाली की लाली। क्या हुआ था आपकी लाली को? गांठ हो गई। और क्या, किस लिए लाई थी? ऑपरेशन के। ऑपरेशन हो गया? हाँ, हो गया। लेकिन स्ट्रेचर वगैरह मिली आपको? नहीं, अपने आप लेके आए। अपने आप लेके आई दूर से। किसी वार्ड बॉय ने कोई हाथ नहीं लगाया? नहीं। स्टे और आपसे कह दिया कि अपने आप ले जाओ अपने मरीज को? हाँ। अपने आप लेके गई हो ना? नहीं, वो कह रहे हैं वहाँ से पकड़ लो, वहाँ से तुम ले आओ। ले आओ अपने मरीज को, अपने आप ले आओ, यही तो कहा था आप, अपने मरीज को अपने आप ले आओ। ऊपर से ले आना, तो हम ले आए ऊपर। मथुरा से सीनियर संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले कोलारस कस्बे में एबी रोड पुराने पुल के पास बड़ी स्टॉल में संचालित दो दुकानों में अल सुबह आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। इस घटना में दोनों दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। आग किन कारणों से लगी इसका कारण फिलहाल पता नहीं लग सका है। बता दें कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की छोटी बड़ी दुकानों में आग फैलने से बच गई। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।